तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि एयरटेल का भी ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है। यहाँ पे आप हर रिचार्ज में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट पा के रिचार्ज कर सकते हैं। और दूसरा मैं बिग न्यूज़ आपको दे दूं कि मैंने कल के डेट में जो है एयरटेल का एयरटेल पेमेंट बैंक में किस प्रकार से कैशबैक लेना है विंक म्यूजिक के थ्रू मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ था। और ज़्यादा से ज़्यादा रिचार्ज फ्री में आप कैसे कर सकते हो, वो 1000 रुपये तक का चाहे कोई भी रिचार्ज आप फ्री में कर सकते थे। तो वो जो है मैं प्रूफ जो है लेके आ गया हूँ उसका लाइव प्रूफ कि कल का जो मैं बनाया था उस एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो, तो उसमें मुझे 100 रुपये का रिडीम मिला है जो कि मेरे अभी एयरटेल पेमेंट बैंक में उसका जो है रिसीव मुझे मिल चुका है। ठीक है, ये देखिए मैं अभी जो है यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से आपको दोस्तों समझा रहा हूँ। तो पहले आप ये देख लीजिए कि मेरे वॉलेट में कल के डेट में 0 रुपीज़ था, पेमेंट बैंक में अभी जो है 100 रुपये का कैशबैक आ चुका है। ठीक है, और अब मैं बता दूं दोस्तों कि यहाँ देखिए ये मेरे वॉलेट में 100 रुपये आ गए हैं। मैं अपना जो पेमेंट बैंक है इसके समरी में जाके आपको दिखाता हूँ। तो पेमेंट्स बैंक मैं ओपन कर लिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये बैलेंस है, यहाँ देखिए 100 रुपये का जो बैलेंस दिख रहा है, तो ये बैलेंस मैं आपको दिखा दूँ कि ये बैलेंस जो मुझे मिला था वो मिला था इसके तरफ से, विंक म्यूजिक एप्लीकेशन की तरफ से। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हर रिचार्ज में कैसे मिलेगा। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मैं आपको देता हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए यहाँ पे जो आप माय एयरटेल ऐप सबसे पहले एयरटेल यूजर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि एयरटेल ऐप यदि डाउनलोड करते हैं तो इसमें आपको 50 रुपीज़ का बहुत सारे कूपन दिए जाते हैं, वाउचर दिए जाते हैं, और 20 रुपीज़ का पेटीएम डिस्काउंट भी दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जब आप जाएंगे तो माय वाउचर का सेक्शन आएगा। यदि आपने कभी माय एयरटेल ऐप यूज करा होगा और तो रिचार्ज करा होगा तो आपको जो है कुछ ना कुछ वाउचर मिला ही होगा। जैसे मेरे पास अभी 8 वाउचर पड़े हुए हैं 50 रुपीज़ का। तो यहाँ पे अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है आपको 50 रुपीज़ का वाउचर पे। यहाँ पे कोई भी पैक, जैसे कि यहाँ देखिए 399 का पैक है या अनलिमिटेड पैक में आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो 399 का जो पैक है तो इस पैक को आप जैसे क्लिक किए तो यहाँ देखिए ऑटोमेटिक अप्लाई जो है 349 रुपये का हो गया, और 50 रुपये डिस्काउंट होकर 349 हो गया 399 का पैक। तो इस प्रकार से आप हर रिचार्ज में 50 रुपीज़ का डिस्काउंट पा सकते हैं। फिर प्रोसेस में जाके आप कहीं से भी ये जो है बैलेंस कटवा सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे से, UPI के द्वारा, फिर पेटीएम के द्वारा, या फिर अपने बैंक अकाउंट के द्वारा जो है बैलेंस कटवा सकते हैं। बैलेंस कटवाना तो आप लोग जानते ही होंगे, यदि नहीं जानते होंगे तो हम अपना नेक्स्ट रिचार्ज जो एयरटेल का करेंगे तो इसके ऊपर फुल ट्यूटोरियल देंगे, वीडियो बना के आपको समझा देंगे कि इस प्रकार से बैलेंस कटवा के जो रिचार्ज किया जाता है। तो दोस्तों आज का इन्फॉर्मेशन छोटा सा था, आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों अभी जो रिचार्ज के ऑप्शन में गए जहाँ पे 50 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ, तो एयरटेल मनी का भी ऑप्शन मुझे आ गया। 100 रुपये मैं अपना एयरटेल मनी से भी कटवा सकता हूँ, दूसरा पेटीएम से भी कटवा सकता हूँ, फ़ोनपे से भी कटवा सकता हूँ, अमेजन पे से भी कटवा सकता हूँ, UPI और बैंक अकाउंट से किसी को भी सेलेक्ट करके आप बैलेंस कटवा के अपना रिचार्ज कर सकते हैं शॉर्टकट में। दोस्तों आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो हैप्पी वाला इमोजी देना, यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो एक सैड वाला इमोजी कमेंट कर देना। ठीक है, लाइक जरूर करना, अपना कमेंट में बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दे दोस्तों, और सभी जनता एक लाइक बनता, लाइक करके जाना। बाय बाय, गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।